डेल न्यू 14 इंटेल कोर i5 11th जनरेशन प्रोसेसर आने वाले इस लैपटॉप बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि मैं 16 GB का रैम और 512 यानी कि 512 GB का SSD सॉलिड स्टेट वाला ड्राइव वाला स्टोरेज देखने को मिलता है, जो कि इस लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनाता है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस लैपटॉप में हमें कैसी बैटरी बैकअप देखने को मिलती है, कैसा इसका डिस्प्ले का क्वालिटी है, कीबोर्ड की क्वालिटी कैसी है, कौन कौन से हमें इस लैपटॉप में पोर्ट्स देखने को मिलती है, बैटरी बैकअप कैसा मिलता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इस लैपटॉप का कैसा है और यह लैपटॉप आपके लिए बढ़िया रहेगा या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा। यह हमारे एक फ्रेंड का लैपटॉप, तो हमने उनसे लेकर के कुछ दिनों तक यूज़ किया, तभी हम यह वीडियो बना रहे हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने के बाद ही। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, आपका सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आप उसको बाय करने का सोच रहे हैं तो हमने इस लैपटॉप का ओरिजिनल और बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप इस लैपटॉप के फीचर्स वगैरह पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो अमेज़न से बाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन। मार्केट में मैंने पता किया था इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो 70-72 हज़ार रुपये पर चल रहा है, लेकिन अमेज़न पे ना आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं और आपको लेना होगा तो बाई कर लीजिएगा। आप ऑनलाइन लेंगे तो वहाँ पे भी आपको बॉक्स में बिल और वारंटी वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती ही मिलती है, ऑनलाइन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और इसने भी जो है ना अमेज़न से ही बाई किया था लैपटॉप को। चलिए हमने कुछ फोटोज़ क्लिक कर लिए, आपको दिखाते हैं और लैपटॉप का पूरा रिव्यू कर देते हैं, एक एक चीज़ डिटेल में आपको बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें इस लैपटॉप में बैटरी बैकअप के बारे में, तो दोस्तों हमें इस लैपटॉप में 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जो कि और कोई लैपटॉप ऑफर नहीं करती है। और साथ ही में दोस्तों इस लैपटॉप में i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा पावरफुल है, पावर कंज्यूम भी करता है, लेकिन तब भी यह लैपटॉप जो है ना इतनी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है कि परफॉर्मेंस जो है ना हमें अच्छी भी निकाल भी देता है, साथ ही में जो है ना हमें बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देता है। हमें इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि हम अंधेरे में भी लैपटॉप को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं, कि बटन जो है ना काफ़ी ईजिली हमें दिखेंगे और कीबोर्ड में जो कीज़ है जो बटन है उसके प्लास्टिक के जो बिल्ड क्वालिटी जो है बेसिकली इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप इसको लॉन्ग लाइफ तक जो है ना इस लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस लैपटॉप में 16 GB का रैम देखने को मिलता है, तो हमें इस लैपटॉप में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है। हमने जो है इस लैपटॉप में BGMI गेम को भी रन किया है, साथ ही में GTA 5, GTA Vice City और माइनक्राफ्ट गेम को भी इसमें रन करके खेला है, और हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे भी इस लैपटॉप में गेम्स जो है ना वो लैग नहीं करते हैं, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया स्मूथ एक्सपीरियंस हमें इस लैपटॉप में देखने को मिला। इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा पंची कलर्स को प्रोड्यूस करता है। हमने इस लैपटॉप को धूप में बैठ करके यूज़ किया तो डिस्प्ले जो है ना इतना ज़्यादा ब्राइट था कि आसानी से जो है डिस्प्ले धूप में विजिबल था, तो डिस्प्ले में भी हमें कोई शिकायत नहीं मिलती, परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हमने इस लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग भी किया है, हमने इस लैपटॉप में 4K वीडियोस को एडिट किया है, वो भी 5 मिनट के वीडियो को, जिसको कि रेंडर करके इसने 2 मिनट के अंदर में आउटपुट निकाल कर दे दिया फिल्मोरा से। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, कोडिंग करने वाले हैं, ऐप बनाने वाले हैं, वेब डिजाइनिंग करने वाले हैं, वेबसाइट बनाने वाले हैं, कोई भी प्रोफेशनल काम करने वाले हैं दोस्तों, यह लैपटॉप कहीं से भी बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा, क्योंकि 16 GB का रैम जो है ना वो काफ़ी अच्छी तरह से सारी चीज़ों को संभाल लेता है। साथ ही में दोस्तों आपको प्री इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 इसमें देखने को मिलता है, जो कि आपको डेल के लैपटॉप में ही मिलेगा और दूसरे लैपटॉप में आपको देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होने की वजह से आप ऑफिस के सारे काम इस लैपटॉप में कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी इस लैपटॉप को ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलता है, 108 रुपये का, जिससे कि आप वीडियो कॉल्स वगैरह करेंगे तो सामने वाले पर्सन को आपका जो चेहरा है वो काफ़ी इजीली दिख जाएगा। तो दोस्तों हर मामले में यह जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े निकल के आ रहा है और अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है अमेज़न पे, तो जाइए फटाफट से बाई कर लीजिएगा। इस लैपटॉप का ओरिजिनल बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से आप बाई करिएगा ताकि आप ओरिजिनल लैपटॉप ले पाए, तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, एयर वेंट्स भी दिए जाते हैं दोस्तों इस लैपटॉप में, जैसे कि यह जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है, कूलिंग फैन भी लगाया गया है। और साथ ही में बात करें पोर्ट्स की, तो मल्टीपल USB पोर्ट्स, HDMI पोर्ट, हेडफोन जैक, सारे पोर्ट्स हमें इस लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं, तो कहीं से हमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। ओवरऑल हर मामले में यह लैपटॉप परफेक्ट लैपटॉप है और साथ ही में यह लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा स्लिम भी है, हल्का लैपटॉप भी है, आप इसको ले सकते हैं, बढ़िया है, जाइए फटाफट से बाय कर लीजिए, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लैपटॉप के लिए कीबोर्ड, माउस, बैग, एंटीवायरस ये सारी चीज़ ले ली होंगी तो उसके लिए भी बढ़िया बढ़िया खोज करके हमने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जाइए बाय कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में आपको महंगे में लेना पड़े, अभी काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। बेस्ट बाय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।